हे गाइस, आज अमेजोन पर रेडमी 10 प्राइम की सेल स्टार्ट हो रही है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस फोन के साथ आपको बैंक से रिलेटेड ऑफर क्या देखने को मिलते हैं, कैशबैक से रिलेटेड और ईएमआई से रिलेटेड क्या क्या आपको ऑफर्स देखने को मिलते हैं। सो गाइस, अगर आप इस फोन को परचेज करना चाहते हो और कन्फ्यूज्ड हो कि ऑफर्स आपको क्या क्या मिलने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सो गाइस, वीडियो के साथ एंड तक बने रहें और चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको अपने अमेजोन अकाउंट में लॉग इन करना है और इस तरह से आपको इस फोन का बैनर दिखाई देगा। अगर आपको यहाँ पे बैनर नहीं शो हो रहा है, आप यहाँ पे सर्च बार में कीवर्ड भी सर्च कर सकते हो Redmi 10 Prime और Amazon आपको इस प्रोडक्ट को शो कर देगा। सो गाइज, मेरे केस में यहाँ पे मुझे बैनर दिखाई दे रहा है, मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा और जैसे ही क्लिक करूंगा ये हमें रिडायरेक्ट कर देगा इसके प्रोडक्ट पेज पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ ही सेकंड में इसकी सेल स्टार्ट होने वाली है। तो अगर आपको इस फोन से रिलेटेड और डिटेल्स चाहिए, जैसे यहाँ पे 2 वेरिएंट्स के साथ आता है, 4+64 और 6+128 GB, और इसके साथ ही अगर आपको इसका डिटेल पेज का लिंक चाहिए, मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा ताकि आप वहां से सारी चीजें इसकी देख सकते हो, इसके कैमरास के बारे में, इसके प्रोसेसर के बारे में, बैटरी के बारे में, जो भी आपको इसमें जानकारी चाहिए ये सारी इस पेज से आपको मिल जाएगी, आप वहां से इजिली देख सकते हो। इसके साथ ही अब मैं सबसे टॉप में जाता हूं क्योंकि कुछ ही सेकंड्स रहे हैं इसकी सेल स्टार्ट होने में। यहां पे आप देख सकते हो सेल यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। जैसे स्टार्ट होती है आप क्या कीजिए, ऐड टू कार्ट वाले बटन पे क्लिक कर दीजिए। सो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो 4 फोन हमारे कार्ट में ऐड हो चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो ये देखिए एक ज्वाइन वेट लिस्ट आ रहा है और डायरेक्ट ऐड टू कार्ड आ रहा है। अगर आपको यहाँ पे ज्वाइन वेट लिस्ट आ रहा है, अगर आप ज्वाइन वेट लिस्ट करते हो तो इसका मतलब है कि अभी आप वेट लिस्ट में हो। जैसे ही वहाँ पे कोई स्लॉट खाली होगा आपको ऐड टू कार्ड वाला बटन आ जाता है, जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करते हो तो फिर जाके ये फोन आपके कार्ट में ऐड होता है। तो यहाँ पे मैंने 5 फोन ऐड कर दिए हैं। सो एक बार हमारे कार्ट में चलते हैं तो मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दूंगा और ये देखिए ये मेरा कार्ट ओपन हो चुका है जिसमें 5 फोन यहाँ पे ऐड हैं। कुछ मैं यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट अभी सेव फॉर लेटर कर देता हूँ। और जो भी आपको वेरिएंट चाहिए, आपको 4+64 वाला चाहिए तो उसको आप अपने कार्ट में रखिए, बाकियों को आप सेव फॉर लेटर कर सकते हो। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये वाला वेरिएंट मैं अपने कार्ट में रखता हूँ, बाकी मैं यहाँ पे सेव फॉर लेटर कर देता हूँ। तो उसके लिए आपको सिंपली सेव फॉर लेटर वाले बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देखिए ये आपकी विश लिस्ट में ऐड हो जाते हैं प्रोडक्ट। मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे शो होगा आपको, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से आपकी लिस्ट में आ जाते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे आप देखिए आपको अमेजोन टाइम भी बताता है, ये फ़ोन आपके कार्ट में ऐड हो चुका है और 15 मिनट के अंदर आप इसको इजीली परचेज कर सकते हो। अगर आप फ़ोन को परचेज करना चाहते हो और आपके कार्ट में ऐड हो चुका है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप विद इन 15 मिनट इसको इजीली परचेज कर सकते हो। इस फ़ोन में आपको क्या क्या बैंक से रिलेटेड ऑफर्स देखने को मिलते हैं तो उसके लिए मुझे इसके प्रोडक्ट पेज पर जाना पड़ेगा। अभी यहाँ पे 11 मिनट है तो मैं इसको आपको जल्दी से बता देता हूँ। सो इस तरह से आपको इसके प्रोडक्ट पेज पे आ जाना है। अगर आपको देखना है कि EMI से रिलेटेड ऑफर्स क्या क्या है इसमें, जैसे आप प्राइसिंग के नीचे आओगे आपको EMI का एक ऑप्शन आता है, EMI स्टार्ट एट ₹682। नो कॉस्ट अगर आपको EMI देखनी है आप EMI के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको डिफरेंट बैंक के थ्रू EMI के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको सिर्फ नो कॉस्ट EMI देखनी है तो आप इस बटन को यहाँ पे अनेबल कर सकते हो। अगर आपके पास Amazon पे ICICI क्रेडिट कार्ड है तो आप इजीली नो कॉस्ट EMI को अवेल कर सकते हो। अगर आप डेबिट कार्ड के थ्रू करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस आ जाएंगे। मेरे केस में अभी मैंने डेबिट कार्ड के थ्रू यहाँ पे EMI अनेबल नहीं करवाई है। अगर आपको देखना है कि कैसे अनेबल करनी है तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना के रखी है, आप उसको भी चेक कर सकते हो। और इसके साथ ही अगर आपके पास Amazon पे लेटर का ऑप्शन है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको इसके स्टैंडर्ड प्लान्स आ जाते हैं, 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ और 12 मंथ। और यहाँ पे आप इसका इंटरेस्ट भी देख सकते हो, 24% मैक्सिमम। जो 4 स्टैंडर्ड प्लान्स आपको सो रहे हैं सब में आपको 24% का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आपको नो कॉस्ट EMI के थ्रू जाना है तो आप Amazon पे ICICI क्रेडिट कार्ड के साथ जा सकते हो। इसके साथ ही मूव करते हैं आगे। अगर आपको कैशबैक से रिलेटेड या फिर आपको बैंक से रिलेटेड और ऑफर्स को देखना है तो आप नीचे आइए, यहाँ पे आपको और ऑफर्स का ऑप्शन मिलता है। मैं यहाँ पे सी मोर पे क्लिक करता हूँ और कैशबैक से रिलेटेड यहाँ पे अगर आप एक प्राइम मेंबर हो और आपके पास अमेजोन पे ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो आपको 5% बैक मिलेगा। अगर आप प्राइम मेंबर नहीं हो तो आपको यहाँ पे 3% मिलेगा। अभी के लिए इसमें यही ऑफर्स हैं, हो सकता है फ्यूचर में आपको किसी और बैंक के थ्रू देखने को मिले क्योंकि टाइम टू टाइम सारे ऑफर्स चेंज होते रहते हैं। हो सकता है आपको नेक्स्ट बैंक SBI के साथ इसमें ऑफर देखने को मिले या फिर HDFC बैंक के थ्रू देखने को मिले, तो ये आपको देखना पड़ेगा। मैंने आपको बैंक से रिलेटेड ऑफर्स ऑलरेडी बता दिए हैं। इसके साथ ही अगर आप HSBC का कार्ड यूज़ करते हो तो उसमें भी आपको यहाँ पे 5% इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिलता है। और अगर आपको और डिटेल जानी है इसके बारे में तो यहाँ पे ऑन डिलीवरी का ऑप्शन रहेगा, 7 डेज़ की आपको रिप्लेसमेंट रहेगी, 1 ईयर की वारंटी रहेगी, Amazon डिलीवर्ड रहेगा। तो अब यहाँ पे देख सकते हो आप 6 मिनट बाकी हैं,
मैं इसको परचेज कर सकता हूँ विद इन 6 मिनट। तो मैं यहाँ पे गो टू कार्ट पे क्लिक कर दूंगा और जैसे मैं क्लिक करूंगा तो उसके बाद मैं करूंगा प्रोसीड टू बाय। आपको यहाँ पे अपना एड्रेस सेलेक्ट करना है जहाँ पे आप इस फोन को डिलीवर करना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे अपना एड्रेस सेलेक्ट कर लूंगा। सो जैसे ही आप अपना एड्रेस सेलेक्ट कर लोगे आपको डिफरेंट टाइप के पेमेंट मेथड देखने को मिल जाएंगे। कैश ऑन डिलीवरी का आप यूज कर सकते हो, EMI का यूज कर सकते हो, UPI का आप यूज कर सकते हो, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो, डेबिट और क्रेडिट कार्ड के साथ कर सकते हो। सो अगर आपके पास Amazon पे ICICI का क्रेडिट कार्ड है तो आप उसका यूज कर सकते हो। UPI के थ्रू अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको अपनी UPI ID डालनी है, वेरीफाई करना है और फिर आपको कंटिन्यू करना है। इसके साथ ही अगर आप पे ऑन डिलीवरी का यूज करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको पे ऑन डिलीवरी पे क्लिक करना है और कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। सो जैसे आप ये सारी चीजें सेलेक्ट कर लोगे आप यहाँ पे प्लेस योर ऑर्डर के पेज पे पहुंच जाओगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपका ऑर्डर यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। सो गाइज इस तरह से आप इस फोन को इजिली परचेज कर सकते हो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूंगा।